आखिर टीम इंडिया में किसका दिमाग खराब हो गया है? कौन है वो जो खुद को समझता है टीम इंडिया का स्टार? क्या स्टार कल्चर की वजह से बर्बादी की कगार पर खड़ी है टीम इंडिया? मशहूर इतिहासकार और बीसीसीआई के प्रशासक समिति के पूर्व सदस्य रामचंद्र गुहा ने टीम इंडिया पर कुछ कड़वे खुलासे किए हैं। चेयरमैन को लिखे अपने खत में गुहा ने विराट कोहली को निशाने पर लिया है। गुहा के मुताबिक अगर नियमों के हिसाब से चलें तो परफॉर्मेंस के आधार पर अनिल कुंबले का टर्म बढ़ाया जाना चाहिए। टीम ने पिछले समय में बढ़िया नतीजे दिए हैं, भले ही खिलाड़ियों को इसका क्रेडिट मिले लेकिन कोच भी इस कामयाबी का बराबर का हकदार है। गुहा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टार कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कुंबले के तौर तरीकों को सही नहीं समझा जा रहा था। गुहा के खत के मुताबिक टीम का कोच कौन हो इसका फैसला करने का अधिकार खिलाड़ियों के पास नहीं होना चाहिए, ये हक बीसीसीआई के अधिकारियों के पास ही रहना चाहिए। गुहा चाहते हैं कि टीम की भलाई के लिए टीम में सुपरस्टार कल्चर को खत्म किया जाए। बताने की जरूरत नहीं कि पिछले कुछ वक्त में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ साथ उनका स्टारडम भी बढ़ा है। शायद यही नतीजा है कि विराट कोहली और कुंबले के बीच काफी दूरियां आ गई हैं। लेकिन अगर ये स्टारडम टीम को बर्बाद करने लगे तो फिर खतरे का अलार्म बजना लाजमी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।